हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। वो किसकी कढ़ी बनाऊँगी? तो ये मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया हुआ था, तो इसको झाड़ की कढ़ी बोलते हैं। तो ये जैसे बूंदी बनाते हैं ना, बूंदी की कढ़ी, तो उसी तरह से मैंने ये बूंदी बना ली हुई है। और वो मैंने किससे बनाई है, वो जो ये देखिए, या तो मैं इससे बना सकती, इसमें ऐसे करके एक कद्दूकस होता है उसमें से झाड़ देते हैं, तो उससे मैंने बनाई हुई है। कुछ मैंने ये पीस गोल वाले भी बना लिए थे थोड़े बहुत, बाकी ये बूंदी जैसी बनाई हुई है। तो मैं इसी की आज कढ़ी बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, मतलब बना ली है मैंने वैसे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। और ये देखिए हमारी कढ़ी बन रही है। तो जैसे आप लोग बनाते हैं, कुछ लोग प्याज और लहसुन डाल के बनाते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ प्याज लहसुन कढ़ी में, कभी कभी डाल लेती हूँ। लेकिन ये मैंने बनाई है, देखिए ये मैंने डाली है मिथौरी, जो दाल की बड़ी बड़ी बोलते हैं ना उनको, दाल की बड़ी, तो उसी की बनाई है मैंने। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी बनती है इसकी भी। और इसी के साथ मैं ये बूंदी भी डाल दूंगी, तो इसकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने पहले मसाला वगैरह घोल के इसमें भूंज लिया होता। हींग भी डाली है मैंने, इन पकौड़ियों में भी डाली हुई है। और ये देखिए, आज मैंने दाल बड़ी की कढ़ी बनाई हुई है। तो ये देखिए हमारी ये दाल बड़ी, जिसको बोलते हैं, इसकी कढ़ी है। तो आप लोग बताना कैसी बनी हुई है। तो हम बनाते हुए हम नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन मैंने मुझे फ्रेंड्स को ही याद ही नहीं रहा कि मैं मुझे आज वीडियो बनाना है। पहले सोचा मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, पर नहीं मैं दिखा पाई। तो फिर मैं मुझे अभी याद आया कि चलो मैं कुछ बनते हुए ही दिखा दूँ। तो यही है ना फ्रेंड्स, टेंशन इतनी है सभी के दिमागों में, तो कोई किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कहीं से कुछ खबर सुनने को मिल जाती, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो इसी बात से कुछ मन भी कम लग रहा है खाने पीने में, हर चीज़ में। अब तो बस यही है कि लोग भगवान का, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं कि हे ईश्वर सभी को बचा लो, तो इसी वजह से कुछ कम मन लग रहा खाने पीने में बनाने में भी। तो देखिए ये आप लोग बताना कैसी, आप लोग भी बना के देखना, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन भी लग गया है, अब सब्जियाँ भी कम आ रही हैं बिकने, तो थोड़ी बहुत सब्जी ले रखी थी, तो मैंने ये भी, हमने सोचा कुछ यही बना के देखती हूँ इसकी कढ़ी वगैरह। तो चलिए, और आगे हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे जो नए आए हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ 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 आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारी। तो चलिए आगे हमारी वीडियो में बने रहिए, और भी मैं दिखाती हूँ आगे। यदि हमारे बोलने में कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आज कढ़ी भी बनाई हुई थी, और मैं बनाने जा रही हूँ अब बैंगन आलू की सब्जी। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ बैंगन आलू की सब्जी। ये मैंने बैंगन लिए हुए हैं दो, और ये पानी में मैंने काटे हुए हैं, और ये मैंने दो आलू लिए हुए हैं, और ये मसाला मेरा पीसकर रेडी हो चुका है। तो सारा मसाला है इसमें, गर्म मसाला भी मैंने साबुत पीस दिया हुआ है। और कढ़ाई में बनाऊंगी सब्जी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी अच्छी बनती है, बैंगन आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है, और ये मैंने कुछ मेथी दाना लिया हुआ है, तो ये कुछ मेथी दाना डालूंगी इसमें। और मेथी दाना जब भून जाएगा, ये देखिए मेथी दाना मैंने डाल दिया हुआ है, मेथी दाना भून गया। अब मैं इसमें मसाला, मसाला भी हमारा, इसमें टमाटर भी मैंने डाले हुए हैं,
दो बड़े बड़े टमाटर मैंने इसमें पीस दिए हुए थे। और चलिए अब मेरा ये मसाला जब अच्छी तरह से इसको मैं भूनूंगी, जब ये अच्छी तरह से हमारा मसाला भून जाएगा, ये देखिए मेथी है, जब ये अच्छी तरह से खूब भून जाएगा मसाला, जब मैं ये सब्जियां डालूंगी। और इसमें साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया है अपने स्वाद अनुसार। और आप पहले नमक, यदि आपको अंदाज़ नहीं है तो पहले नमक मत डालिएगा और बाद में डालिएगा। तो चलिए अब मैं गाइस, ये हमारी कटोरी एक रखी है, इसमें हमारा थोड़ा रिफाइंड कल बचा हुआ था तो मैंने इसको ढक के रख दिया हुआ है। और ये कटोरी मैंने बना रखी है कि अगर बचता है तो इसको इसी में कर देती हूँ, तो बाकी बाद में जब थोड़े बहुत होता ना, कोई कुछ बनाना होता है पराठा वगैरह, तो इसी से बना लेती हूँ। इसलिए ये पेपर डाल के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि जो नीचे टाइल्स है ना वो चिकने ना हो, इस वजह से मैंने पेपर डाल के रखा हुआ है इसको। तो अब हमारा मसाला भूनने पे आ चुका हुआ है थोड़ा, और इसको खूब चला के अच्छी तरह से चला चला के भूनेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। यदि आपको सूखी सब्जी बनानी है तो इसमें पानी मत डालिए, थोड़ा सा हल्का लगाइएगा। यदि आपको इसमें गीली सब्जी बनानी है, मतलब ज़्यादा इसका रस्सा चाहिए तो अच्छी सी, तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें पानी डाल दीजिए। और तो सूखी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई में, इसकी बैंगन आलू की सब्जी है ना, सूखी वाली बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो हमारी सब्जी को देखते रहिए, और बन जाएगी तो दिखा देंगे, याद रहेगी तो मेरे को, नहीं याद रही तो कोई बात नहीं, बाकी मैंने जो जैसे बना रही हूँ उतना तो मैंने दिखाई दिया हुआ है आप लोगों को। ये देखिए आलू, इसको पानी में ही रखना चाहिए बैंगन को, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं ना बैंगन, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हमारी वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी सब्जी और कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो हमारी सब्जी कढ़ी कैसी बनी है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारे चैनल पे जो नए आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कल, और जब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। All friends, take care.